गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शान पटेल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 7 ऑफ चैप्टर नंबर 12, फ्रिक्शन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 6 में फ्रिक्शन के कुछ टाइप्स के बारे में समझा था। लास्ट लेक्चर में फ्रिक्शन में रोलिंग फ्रिक्शन हमने ये समझा था कि व्हील्स जो है वो फ्रिक्शन को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो उसमें हमने रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में और स्लाइड फ्रिक्शन के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने समझ लिया। ओके, आज के लेक्चर में पार्ट 7 में हम एक अलग ही फ्रिक्शन के बारे में, जिसका नेम है फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या है? फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में समझने जा रहे हो। ओके, सी हियर, यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन। आपको पता है कि एयर जो है वो बहुत ही लाइट है, उसका वेट बहुत ही कम है। एयर जो है, एयर इज वेरी लाइट एंड थिन, और लाइट भी है और थिन भी है। येट इट एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट। देखिए, एयर भले ही एकदम लाइट एंड थिन है, लेकिन जब एयर में से कोई भी ऑब्जेक्ट जब पास होता है, तब एयर जो है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है, फ्रिक्शन क्रिएट करती है। क्या करती है? याद रखिएगा, एयर भले ही लाइट एंड थिन है, लेकिन एयर में से जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव होता है, जब एयर में से पास होता है, तब एयर जो है उसके ऊपर फ्रिक्शन क्रिएट करती है, फ्रिक्शन एक्सर्ट करती है। ओके, फ्रिक्शन लगाती है, फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है। सिमिलरली, वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम। देखिए, सिर्फ एयर ही नहीं, एयर की तरह जब सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स, वाटर और दूसरे लिक्विड जो है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर से पास होता है, वाटर एंड कोई भी लिक्विड में से कोई भी ऑब्जेक्ट पास होता है, तो वो भी उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एयर एंड लिक्विड्स, ओके, एयर है, वाटर मीन्स लिक्विड जो है वो भी क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करते हैं। ओके, इनसाइड द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड्स। देखिए, साइंस में ये जो गैसेस जो है और ये लिक्विड्स जो है, उसको साइंस की कॉमन लैंग्वेज में फ्लूइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लूइड्स। याद रखिएगा, फ्लूइड्स किसको कहा जाता है? तो गैसेस एंड लिक्विड्स, किसको? गैसेस एंड लिक्विड्स को फ्लूइड्स कहा जाता है। तो अब इससे आगे जहां जहां पर भी फ्लूइड्स वर्ड्स आए, वहां पे समझ लेगा कि वो क्या है। फ्लूइड्स है वो वाटर एंड सॉरी लिक्विड एंड गैसेस। ओके, फ्लूइड्स का मतलब होता है उसमें लिक्विड्स एंड गैसेस दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, सो वी कैन से दैट फ्लूइड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू देम। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लूइड जो है उसके अंदर में से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पास होता है, फ्लूइड्स का मतलब होता है क्या होता है? लिक्विड्स एंड गैसेस। याद रखेगा, फ्लूइड्स वर्ड से समझ जाएगा कि लिक्विड्स एंड गैसेस की बात हो रही है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लूइड्स में से जो कोई भी ऑब्जेक्ट पास होता है, तो फ्लूइड्स जो है वो ऑब्जेक्ट की जो मोशन जो होती है उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। ओके, the frictional force exerted by fluids is also called the drag. ये fluid जो है, ये object के ऊपर जो frictional force लगाते हैं, उसको ये frictional force को drag कहा जाता है। क्या कहा जाता है? drag। याद रखेगा, the frictional force on an object in a fluid depends on its speed with respect to the fluids. देखिए, यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि फ्लूइड्स में से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पास होता है, फ्लूइड्स में से मीन्स किस में से? लिक्विड्स एंड गैसेस में से। ओके, फ्लूइड्स में से कोई भी ऑब्जेक्ट पास होता है, तो उसके ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो कैसे पता लगाया जा सकता है? तो फ्लूइड्स में से कोई भी ऑब्जेक्ट पास होता है, उसके ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, वो फ्लूइड में से जो ऑब्जेक्ट पास हो रहा है उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड है। इसके ऊपर फ्लूइड में से कोई ऑब्जेक्ट पास हो रहा है उसकी
स्पीड के ऊपर डिपेंड है, कितनी स्पीड से पास हो रहा है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। देखो फ्रिक्शनल फोर्स जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, वो एक तो हमने एक तो ऊपर देखा कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, शेप के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप समझ लो कि मैं एग्जांपल दूं तो एरोप्लेन है, वो एयर में से पास होता है, एरोप्लेन है एयर में से पास होता है, तो एरोप्लेन का शेप आप देखोगे तो एरोप्लेन का शेप जो होता है वो स्ट्रीमलाइन शेप होता है, आगे से शार्प होता है, समझ में आ रहा है। तो आगे से शार्प शेप होने की वजह से वो क्या करता है, एयर को कट करता हुआ आगे बढ़ सकता है, समझ में आ रहा है। अगर शार्प शेप नहीं होता, आगे स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होता तो क्या होता, अगर स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होता तो एयर का जो फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो उसको ज्यादा लगता, स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से आगे वो उसका शार्प शेप है इसकी वजह से एयर को कट करता वो इजीली आगे बढ़ सकता है, समझ में आ रहा है। तो ये शेप के ऊपर भी डिपेंड है, फ्लूइड में से जो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो शेप के ऊपर भी डिपेंड है। एक तो स्पीड के ऊपर, अगर स्लो स्पीड होगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा, ओके, अगर स्पीड भी ज्यादा स्पीड में होगा तो फोर्स कम लग सकता है, और शेप के ऊपर डिपेंड है कि शेप कैसा है। अगर स्ट्रीमलाइन शेप होगा, स्ट्रीमलाइन शेप होगा, जैसे कि बर्ड्स देखो, एरोप्लेन देखो, बर्ड्स देखो, ओके, वॉटर में जो फिश, एयर में, एयर के एग्जाम्पल लेने हो तो एयर में बर्ड्स है, एरोप्लेन है, उसका स्ट्रीमलाइन शेप होता है, और वॉटर में, वॉटर जो फ्लूइड है उसके अंदर आप देखोगे तो वॉटर के अंदर फिश जो है वो क्या करती है, स्विमिंग करती है, तो फिश का शेप भी आप देखो, फिश का शेप स्ट्रीमलाइन शेप है, आगे से शार्प होता है ना, समझ में आया। तो ये सब इसीलिए इजीली मूव कर सकते हैं कि उसके शेप की वजह से, तो उसका शेप जो है वो स्ट्रीमलाइन शेप है, उसकी वजह से वो इजीली आगे मूव कर सकते हैं। ऐसे फ्लूइड में, ओके, गैसेस में, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, गैसेस में मीन्स एयर में या फिर वॉटर में, ये सब मूव हो सकते, इजीली मूव हो सकते है, किसकी वजह से, तो स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से, उसका शेप ऐसा है जिसकी वजह से उसको ज्यादा, उसको फ्रिक्शनल फोर्स उसको ज्यादा नहीं लगता, समझ में आ रहा है, ओके। नाउ इट इज ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड्स दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम, इन दिस प्रोसेस दे आर लॉस एनर्जी। यहां पे ऐसा बताया गया है कि इट इज ऑब्वियस, यहां पे ऐसा बताया गया है कि ये तो ऑब्वियसली जब ऑब्जेक्ट कोई फ्लूइड के अंदर जो मूव होता है तो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से उसकी एनर्जी जो है वो लॉस होती है। जैसे कि समझ लो कि फिश जो है, फिश वाटर में मूव हो रही है तो थोड़ा तो फ्रिक्शनल फोर्स लगता होगा ना उसको सामने, वॉटर का क्या लगता होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स तो लगता ही है, ये तो क्लियर है, और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से उसकी स्पीड जो होगी, उसकी एनर्जी जो होगी वो क्या होती है, वेस्ट होती है, समझ में आ रहा है, उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स। यह क्या कर सकते हैं, ये फ्रिक्शनल फोर्स तो लगेगा ही, वॉटर के अंदर जो फिश मूव हो रही है, एरोप्लेन या बर्ड जो है वो एयर में मूव हो रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो लगने ही वाला है, एयर का फ्रिक्शनल फोर्स या फिर वॉटर का फ्रिक्शनल फोर्स तो ऑब्वियसली वो तो लगने ही वाला है। हम कर क्या सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, तो उसको शेप, स्ट्रीमलाइन शेप देते, समझ में आ रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ओके, जैसे कि व्हीकल, एरोप्लेन है, एरोप्लेन का जो आगे का जो पार्ट्स होता है वो एकदम शार्प लगते हैं, है ना, स्ट्रीमलाइन लगते हैं, जिसकी वजह से वो एयर को कट करता हुआ आगे बढ़ सकता है, तो शेप के ऊपर डिपेंड है। अगर आगे एरोप्लेन का शार्प शेप नहीं होता, ऐसा शेप होता है एरोप्लेन का आगे, तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगता है क्योंकि एयर इसमें ज्यादा लगती है, समझ में आ रहा है। एरोप्लेन का शेप ऐसा होता है, आगे से शार्प होता है, इसलिए वो कट करता हुआ इजीली आगे बढ़ सकता है।
तो शेप की वजह से, ऐसे शेप रखने की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, वो कम कर सकते हैं। बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम, देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप्स विच वुड मेक देम लॉस लेस एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। जैसे कि बच्चों मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि बर्ड्स एंड फिश वाला एग्जाम्पल दिया कि बर्ड्स जो है वो एयर में मूव करते हैं, एयर में आगे बढ़ते हैं ना, बर्ड्स ले लो, एरोप्लेन ले लो, तो बर्ड्स जो है वो एयर में मूव करते हैं, फिशिस जो है वो वॉटर के अंदर मूव करती है, ओके। तो उसकी बॉडीज जो है, उसकी बॉडीज का जो शेप जो है वो स्ट्रीमलाइन होता है, स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से उसको उसके जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, बर्ड्स को जो एयर का फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, फिश को जो वाटर का फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी कम लॉस्ट होती है, ओके। देन लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन, देखो आप केयरफुली एरोप्लेन का शेप देखना, एरोप्लेन का शेप मैंने आपको बताया कैसा होता है। डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी इन इट्स शेप एंड दैट ऑफ अ बर्ड, देखो आपको बर्ड्स के शेप में और एरोप्लेन के शेप में कुछ सिमिलैरिटीज देखेगी, बर्ड्स का शेप और एरोप्लेन का शेप है वो सेम होता है, आगे से ऐसे स्टार स्ट्रीमलाइन शेप होता है, ओके। जिस तरीके से बर्ड्स को विंग्स होती है वैसे एरोप्लेन को भी साइड में विंग्स होती है, देखिए ना आपने, तो बर्ड्स का शेप और एरोप्लेन का शेप में सिमिलैरिटीज होती है, ओके। जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, इस शेप की वजह से, स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से वो एयर में इजीली, एयर को कट करते हुए इजीली आगे वो बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिजाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन, देखिए इनफैक्ट यहाँ पे ऐसा बता कि जितने भी व्हीकल्स जो होते हैं उन सब का जो शेप जो है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि वो फ्लूइड फ्रिक्शन में इजीली उसको रिड्यूस कर, फ्लूइड फ्रिक्शन वो रिड्यूस करे, कम करे, इस तरीके से उसका शेप बनाया जाता है, सभी व्हीकल्स का ऐसा शेप बनाया जाता है, ओके। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने पार्ट 7 में फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में समझा, फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस में जो व्हीकल्स जो मूव होते हैं, जो एनिमल्स जो मूव होते हैं उसको फ्रिक्शनल फोर्स कम लगे उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए हमने आज के लेक्चर में पार्ट 7 में हमने समझा। तो बच्चों ये हमारा पार्ट 7 जो था ये हमारा लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 12 जो है फ्रिक्शन जो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ओके। इसकी मैं एक्सरसाइज जो है, इसकी जो पीडीएफ जो है चैप्टर नंबर 12 की, मैं आपको एप्लीकेशन में आपको मैं सेंड कर दूंगा, इसको आप अपनी एक्सरसाइज जो है उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। थैंक यू वेरी मच।